हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहित माउत है। मैं आज आपको होंडा एसपी 125 के बारे में बताऊंगा, कैसे दिखती है कैसे नहीं, और इस चैनल पे आने वाले वीडियो इसी के बारे में है। इसकी सर्विस कॉस्ट, माइलेज और कितनी पावर है इसके अंदर, ड्रैग रेस, ये सब देखने को मिलेगी। तो यार हम बात करते हैं इसके बारे में। ये एक वॉल क्राउंड वीडियो है पहला। इसके अंदर सामने एक अग्रेसिव लुक मिलता है जो कि आप देख सकते हैं, शानदार लुक है, शार्प। यहाँ पे हमें डुअल चैम्बर लाइट मिलती है, एलईडी या लोबी में या हाई बी में। और यहीं पे हमें एक ये सामने शाइन मिलती है एक बढ़िया। और यहाँ पे एयर वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। और ये डिस्क वेरिएंट है, इसमें हमें आगे की टायर साइज मिलती है 80 फुट के टायर मिलते हैं MRF के, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कुछ बात की और लुक है। हम इसके साइड की लुक के बहुत कुछ इसकी साइड लुक कुछ इस तरह की दिखती है, देख सकते हैं। ये काफ़ी अग्रेसिव है, इतना हमें साइड में काउ लुक मिलता है देखने को, जो यहाँ से कंटिन्यू होता है और यहाँ तक आता है, नीचे तक कवर करता है। ये पूरा फाइबर का है, फाइबर या प्लास्टिक पता नहीं मुझे, हाँ लेकिन इस मेटल का तो नहीं है। और ये यहाँ पे इसकी किक मिलती है, और ये ब्रेक है इसके, और ये इसका कार्बोरेटर है। और इसमें हमें ये डिस्क वेरिएंट है, इसमें हमें डिस्क भी मिलती है, 3.5 mm की डिस्क मिलती है। साइड में हमें रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं, रात के टाइम काफ़ी मदद करते हैं। सामने से बहुत अग्रेसिव लुक मिलता है इसके अंदर। ये अपने सेगमेंट में इसी की एक और बाइक आती है होंडा शाइन, उससे काफ़ी अग्रेसिव लुक है। ये ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, इसके अंदर रेड ब्लू और मैट फिनिश भी मिलती है। और ये देख सकते हैं, और ये इसके हम साइड कंट्रोल की बात करते हैं, हैंडल पे क्या क्या है। ये लेफ्ट साइड के यहाँ पे हमें पास स्विच मिलता है और यहीं से डिपर होता है। ये इंडिकेटर मिलते हैं इसके, ये हॉर्न है, और ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप और किल स्विच इसी में है। और ये डिस्क ब्रेक का ऑयल है। और यहाँ पे हमें इसका मीटर के बारे में बात करते हैं। इसका मीटर कुछ इस तरह का दिखता है, नाइट में वाइट दिखता है। यहाँ पे हमें मिलते हैं फ्यूल गेज, ये इसका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे हमें क्लॉक मिलता है, यहाँ पे गियर शिफ्ट कौन से गियर में बाइक है वो मिलता है। और यहाँ पे हमें रेंज मिलती है, रेंज और टोटल किलोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये रियल टाइम माइलेज, और इसके आगे ट्रिप ए माइलेज। और यहाँ पे हमें इको मोड की लाइट मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर अलग। यहाँ पे हमें इंडिकेटर लाइट मिलती है, इंजन वार्निंग, इनमें चेक लाइट मिलती है, न्यूट्रल लाइट, यहाँ पास लाइट मिलती है, यहाँ इंडिकेटर लाइट मिलती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमें 14 लीटर के टैंक की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है, जो कि हमें काफ़ी बढ़िया रेंज प्रोवाइड करता है। उसका माइलेज भी बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं। थोड़ी गंदी हो रही है, माइंड मत करना क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है। यहाँ हमें इसकी इंजन स्टार्ट मोटर मिलती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो इंजन स्टार्ट करती है, साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। ये इसके गियर है, पहला आगे और बाकी पीछे लगते हैं इसके सारे। और इसी की आती है शाइन होंडा की, उसके अंदर सारे गियर पीछे ही लगते हैं पाँचों। ये इसके शोकर हैं,
ये इसके टायर के अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए उसकी के बारे में, ये चेन कवर के बारे में। और इसमें हमें सारे गाड़े मिलते हैं इंडियन नॉर्म्स के मुताबिक। इसमें हमें टेल लाइट इस प्रकार की मिलती है कुछ, ये एंड टाइम ऑन रहते हैं, नीचे पीछे लाइट जिसका साइलेंसर है उसके ऊपर हमें एक फिनिश मिलती है क्रोम की शानदार। और पीछे भी हमें सेम टायर मिलता है 8800 का MRF का। रिम साइज है 18 इंच की रिम साइज है इसमें, ये रही इसकी। इसी की सेगमेंट की एक बाइक पल्सर के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोफाइल का टाइम मिलता है, 100 प्रोफाइल का टाइम मिलता है। ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, लाइट जलने के बाद इसका अग्रेसिव लुक देखिए। एक मैं फोकस एडजस्ट करता हूँ, इसकी लाइट बहुत ही शानदार है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में होंडा SP125 के बारे में और भी वीडियो को देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसमें आपको माइलेज टेस्ट, राइड एंड हैंडलिंग टेस्ट, टॉप स्पीड सारी चीज़ें मिलेगी। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका आने वाला वीडियो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कई इसमें मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हटाए जा सकते हैं लेकिन अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, बाय।